आज का जो विषय है हमारा वो है सिवाना दुर्ग। जालौर और बाड़मेर के बीच में एक 56 पहाड़ियों का एक समूह है जो वन बाय वन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उन 56 पहाड़ियों के समूह को वहां पर स्थानीय भाषा में 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। 56 की पहाड़ियां जो जालौर और बाड़मेर के मध्य में स्थित है, वहीं 56 का पठार हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य में स्थित है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच में बाड़मेर में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे नाकोड़ा तीर्थ कहा जाता है, जिसे राजस्व की भाषा में मेवनगर कहा जाता है। नाकोड़ा तीर्थ जो जैन धर्म का प्रमुख मंदिर है, जहां पर भगवान पार्श्वनाथ की पूजा की जाती है, जहां पर राजस्थान के साथ साथ गुजरात के भी बहुत से लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इन्हीं 56 की पहाड़ियों के बीच में एक पहाड़ी है जिसका नाम है हल्देश्वर की पहाड़ी। हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है एक सिवाना का दुर्ग, सिवाना का भव्य दुर्ग, जिसकी स्थापना यानी इस किले के निर्माण की अगर हम बात करें तो एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। उनका मत यह था कि इस किले का निर्माण गुज्जर प्रतिहार कालीन शासकों ने बनाया है। वहीं राजस्थान के एक इतिहासकार हुए हैं सिरोही के डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा। उनका यह मानना है कि इस किले का निर्माण परमार शासकों ने बनाया है। एक परमार शासक हुए हैं जिनका वीर नारायण नाम है, उनके द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। खैर छोड़िए, इस किले का भी एक भव्य इतिहास है। यह किला जो कभी मारवाड़ों के शासक की शरण स्थली रहा है, मारवाड़ के एक शासक हुए थे जिनका नाम था राव चंद्रसेन, जो अकबर के समकालीन थे। जब अकबर समस्त राजपूती रियासतों को गुलाम बनाना चाहता था, उस समय केवल 3 ही रियासत थी जो अकबर का विरोध कर रही थी। इन्हीं 3 रियासतों ने अकबर के इस स्वप्न को पूरा करने में बाधा पहुंचाई थी, जिनमें एक रियासत थी मेवाड़ की, दूसरी थी मारवाड़ की राव चंद्रसेन का समय, और तीसरी थी सिरोही का। तो राव चंद्रसेन ने भी इसी दुर्ग में अकबर के समय शरण ली थी। इस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्ग पर सबसे पहला आक्रमण 1308 में हुआ था, जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना की तरफ से हुआ था। वह आक्रमण असफल था। इसके बाद जो दूसरा आक्रमण था वह भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना का ही था, मगर उसमें सेनापति को बदल दिया गया था। जब दूसरा आक्रमण हुआ कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में, उसने अपनी बहुत विशाल सेना इस सिवाना दुर्ग के बाहर लाकर खड़ी कर दी, और सिवाना दुर्ग के जो उस समय के जो शासन करता थे उनका नाम था शीतलदेव। शीतलदेव की सेना संकुचित थी, उन्हें पता था कि मैं इस मुगले सल्तनत की जो सेना है उसका आमना सामना नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने युद्ध किले के अंदर रहकर ही उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब कमालुद्दीन गुर्ग को सफलता नहीं मिली तो उसने रणनीति अपनाई। उसने वहां के स्थानीय कुछ लोगों को लालच देकर किले में प्रवेश करवाया, और वहां पर एक तालाब हुआ करता था जिससे उस किले के संपूर्ण पेयजल की व्यवस्था होती थी। उस तालाब में गोरक्त मिला दिया गया। जब गोरक्त उस तालाब में मिल गया तो वहां पर पीने के पानी का संकट हो गया। कुछ दिन कुछ महीने तो जैसे तैसे उन्होंने गुजारे, लेकिन अब अंतिम समय आ गया था कि उनके पास पीने के लिए पानी तो था लेकिन उसमें गोरक्त था। अब उन्होंने सोचा कि आत्मसमर्पण करने से कहीं लाख गुना अच्छा है कि युद्ध किया जाए। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना जिसका नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग कर रहा था और शीतल देव दोनों की सेना के मध्य भीषण युद्ध होता है। शीतल देव की सेना से कहीं गुना बड़ी औरंगजेब अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी,
दोनों के मध्य युद्ध होता है और अंतःगत्वा शीतल देव को कैसरिया करना पड़ता है और वहां की शत्राणियां को जोहर करना पड़ता है। जब शीतल देव का सिर कलम कर उनके शरीर को और उनकी गर्दन को जब अलाउद्दीन खिलजी के सामने पेश किया जाता है, तब जब शीतल देव का शरीर अलाउद्दीन खिलजी देखता है तो वो सोचता है और विचार करता है कि इतना विशालकाय शरीर एक हाथी के समान, यह कथन उसके मुंह से निकलता है। शीतल देव जिसका शरीर एक हाथी के समान था, हष्ट पुष्ट और एक विशालकाय शासन हुआ करता था। सिमाना दुर्ग एक प्रमुख दुर्ग माना जाता है, क्यों? यदि किसी व्यक्ति को झालोर का दुर्ग जीतना है तो उसे जीतने के लिए सबसे पहले सिमाना दुर्ग को जीतना आवश्यक है। इसी सिमाना दुर्ग को झालोर की कुंजी कहा जाता है, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने झालोर को जीतने से पहले सिवाना को जीता और इस सिवाना के ऊपर बहुत अलग अलग समय पर अलग अलग आक्रमण हुए हैं, लेकिन आज भी यह दुर्ग पिछले 1000 सालों का इतिहास बयां करता है। झालोर के किले का इतिहास हम अगली श्रृंखला में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।